की सरकार में हमारे साथ हमारे पति को आज सर वो हमारे पति है। मतलब हम रूम जा रहे थे पढ़ने के लिए मार दे मतलब का मार रहे हैं बेमतलब का ये तानाशाही सरकार है तब तो ऐसे आप छात्र को नहीं लेके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजन ओझा और आप देख रहे हैं RAA 24 न्यूज। दोस्तों आज हम बात करेंगे उस तानाशाही सरकार की जो जिस प्रकार से तमाम नौजवान बेरोजगार युवकों के ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठियां बरसा रही थी। कल जिस प्रकार से बिहार में एक घटना देखने के लिए मिली, आज पूरे देश में जो जिस प्रकार से है तमाम बेरोजगार युवक जो हैं रेलवे की भर्ती का जो आवेदन निकला है उसके विरोध प्रदर्शन के लिए संवैधानिक ढंग से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन आज उनको जिस प्रकार से उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं वो मानो एक तानाशाह और तानाशाही जैसा हुकूमत करके उनके ऊपर लाठियां बरसा जा रही थी। मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, ये देश किसी के बाप का थोड़ी है। मेरी बात आपको बुरी लगेगी लेकिन मैं सीना ठोक करके कह रहा हूँ कि अकेले किसी के बाप का नहीं है। और जो तुम कुर्सी पर बैठ करके इस तरह से बेरोजगार लड़कों के ऊपर लाठियां बरसा रहे हो ये कतई बर्दाश्त की बात नहीं है। साथियों आपको मैं बता दूं, यही रेल मिनिस्टर हैं जिन्होंने कहा था कि रेलवे में 3 लाख पद खाली हैं और जल्द ही वैकेंसी निकलेगी और बच्चों को भरा जाएगा। तमाम वो हसीन सपने सजोए युवा जो थे बेरोजगार युवा, कोई कर्जा लेकर के किसी तरीके से अपनी तैयारी कर रहा था, लेकिन निकला जब वैकेंसी तो मानो एक लालीपॉप निकला। और उस लालीपॉप से होगा क्या, उसी के अपने हक के लिए वो बच्चे कल पटना में भी विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उस तानाशाह सरकार ने जिस प्रकार से उन तमाम नौजवान हमारे देश के भविष्य ये जो युवा थे उनके ऊपर जिस प्रकार से ये लाठियां बरसा रहे थे ये कतई बर्दाश्त की बात नहीं थी। सोचिए, और कुछ ऐसे भी लोग थे, अब मैं बात जो कहूंगा मेरी बात बुरी लगेगी लेकिन दम रखो कि सही है तो सही कहो और गलत है तो गलत कहो। आज तमाम वो गोदी मीडिया उनकी चीख नहीं दिखा रही, आखिर में ऐसा क्यों? मैं पूछ रहा हूं कि आखिर में ऐसा क्यों? देश को किस प्रकार से चुनावी मूड में डाइवर्ट करने के लिए राम मंदिर का मुद्दा उठाया जाता है। मैं राम मंदिर का विरोधी नहीं हूं, भगवान का हम भी जा करके अयोध्या में 12 दिन तक हमने भी कवरेज किया, मंदिर बनना चाहिए था, लेकिन मंदिर के साथ साथ क्या ये तमाम जो बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार नहीं मिलना चाहिए? आज जिस प्रकार से बिहार में कल हुआ आप देख सकते हैं, पहले इस वीडियो को देख लीजिए मैं आगे बताऊंगा। कौन से थाने ले जा रहे हैं, कौन से सर, कौन से आइए ना उधर। अरे आप ऐसे कैसे, अरे आप ऐसे, ये हमारे साथ है। अरे ये हमारे साथ है, अरे मीडिया दिखाइए, ये हमारे साथ है सर, ये हमारे साथ है सर, ये सर ये हमारे साथ है सर, ये हमारे साथ है सर, ये हमारे साथ है। आप कैसे लेके जा सकते हैं, अरे आप ऐसे कैसे कर सकते हैं सर, सर आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, ये हमारे साथ है सर, ये हमारे साथ है सर, सर आप ऐसे कैसे लेके जा सकते हैं सर, ये हमारे साथ कैसे कर सकते हैं, बताइए भाजपा की सरकार में हमारे साथ हमारे पति को आज सर वो हमारे पति है, मेरे पति को आप ऐसे कैसे उठाए ले जा, वो मेरे पति है सर, जिस प्रकार से ये एक पत्रकार हैं और पत्रकार जब रिपोर्टिंग कर रहा था तो उसके ऊपर किस प्रकार से एक उनको क्या बोला जाता है, आतंकवादी की तरह से इरिटेट करके, एक अपराधी की तरह से इरिटेट करके जबरदस्ती गाड़ी में ठूसा जा रहा था, कोई आवाज नहीं उठाया। वहीं एक कहा जाएंगे कि सन ऑफ बिहार भी बहुत अपने आप को बनते थे और बिहार के
आवाज उठाने के लिए, बिहार के मजदूरों की आवाज उठाने के लिए, लोगों को बदलने के लिए, बेरोजगारों को रोजगार दिलाने की आवाज उठाने की बात करते थे, लेकिन आज उसी मनीष कश्यप को सांप सूंघ गया। मेरी बात उनको भी बुरी लगेगी, अरे ऐसी पॉलिटिक्स मत करो, किसी पार्टी का प्रवक्ता मत बनो। मैं भी मनीष के समर्थन में खड़ा था, जिस प्रकार से मनीष के खिलाफ अत्याचार वहां की सरकार ने किया था, पूर्ववर्ती सरकार में तेजस्वी यादव, भैया तुम्हारी एक व्यक्तिगत दुश्मनी तेजस्वी यादव से हो सकती है, लेकिन जिस प्रकार से नीतीश कुमार के ऊपर लांछन लगा है, क्या होता है, कब, क्यों ऐसी चीज होती है कि जैसे ही बीजेपी की सरकार, वहीं नीतीश कुमार बीजेपी में आते हैं तो तमाम बिहार में लोगों के ऊपर लाठियां चलने लगती है, बरसने लगते हैं, तमाम जो नौजवान रोजगार की बात करते हैं उनके ऊपर लाठियां चलने लगती हैं। मैंने भी जब वीडियो उस समय बनाया था मनीष के समर्थन में, कम से कम सबसे अधिक मेरी वीडियो होगी मनीष कश्यप के समर्थन में, लेकिन आज मुझे मजबूरी में बोलना पड़ रहा है कि सब ये लोग जितने लोग हैं चाटुकार हैं, अपनी दुकान, अपनी रोजी रोटी चमकाना है, किसी भी बिहारी से किसी का मतलब नहीं है, किसी नौजवान से किसी का मतलब नहीं है, ये खुद ही बेरोजगार बैठे हुए हैं। कहेंगे यहाँ पर तेजस्वी यादव ने मात्र जितना कम समय में 8-9 महीने 1 साल के बीच में जितना रोजगार दिया, काफ़ी तारीफ यूपी में भी हो रहा था, देश के विभिन्न कोनों में हो रहा था, इससे कहीं ना कहीं सरकार तो जरूर बौखलाई थी। भैया अगर तुम इतने ईमानदार इतने सही हो तो उस प्रकार से काम ही नहीं करते थे, बच्चे तो अपना हक मांग रहे थे। और आप देखिए कि जिस प्रकार से पत्रकार महोदय आर्यन न्यूज के ये संवाददाता जो हैं निभा सिंह, इनके पति के साथ किस प्रकार से इसी सुशासन बाबू की सरकार जो है पुलिस कैसे इरिटेट कर रही है, और तमाम गोदी मीडिया जो है 75 यूट्यूबर मनीष कश्यप को, चाहे और लोगों को यूट्यूबर कहने से, मैं भी यूट्यूबर हूँ, बुरा लगता था कि लोग यूट्यूबर कह रहे हैं, लेकिन आज जिस प्रकार से इस पत्रकार के साथ हुआ है ये शर्मनाक घटना नहीं है? क्यों नहीं, लोगों को रोजगार नहीं मिलना चाहिए? 5,200-3 लाख सोचिए, कहीं ना कहीं क्या आप राम मंदिर को डाइवर्ट करके हिंदू मुसलमान करके इस तरह से करोगे? सोचिए, यूपी की बात मैं कर रहा हूं, यूपी में दूसरी बार बाबा जी की सरकार हो रही है, आज हो गया आपका 5-7 साल, 7 साल की बीच में कितने रोजगार, अखिलेश यादव के समय की आज भी जो बीपीएड जो थे खेल शिक्षक थे उनकी 40,000-42,000 जो भी वैकेंसियां निकली थी आज तक वो नहीं भरी गई। सोचिए कितने बच्चे बेरोजगार, कितने लोगों की ओवर एज हो गया था, तमाम यूपी में ही देखे होंगे यूपी पुलिस की भर्ती निकली है अभी, उसमें एज के लिए विरोध हुआ था, वो तमाम नौजवान रोड पर आ गए थे तब जा करके हुआ था, क्या यहीं रह गया है अब कि बच्चे लाठी खाए? अभी PMCH में चले जाइए, कल जो लाठी लगी है बच्चों को कितने जगह टूटा है, क्या वो अपराधी थे? क्या किसी को जीने का हक नहीं है, किसी को अपनी बात रखने का हक नहीं है, किसी को अपने रोजी रोटी के लिए आवाज उठाने का हक नहीं है? तमाम विषय है, सोचिए ये शर्म की बात है। और तमाम लोग थे जिस प्रकार से कल बिहार में ऐसी घटना हुई है, उस तरह से कहे जाएंगे मैं हूं सन आप किसान, मैं हूं सन आप बिहार, कहां सो गए थे भैया? मेरी बात बुरी लगेगी, मैं वही चीज बोला, सबसे अधिक मैंने अगर वीडियो बनाया है तो मनीष कश्यप के समर्थन में, क्योंकि जहां गलत है तो आप गलत कहिए, सही है तो सही कहिए, लेकिन आज किसी कश्यप का, किसी सन आप बिहार का, सन आप किसान का, किसी का आता पता नहीं है, तमाम नौजवान जो हैं लाठी डंडा इसी तरह से खा रहे हैं। साथियों आज मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि सबसे पहले जो है रोजगार चाहिए युवाओं को, मंदिर बना है वहां पर भी विकास हुआ है, हकीकत है लोगों को वहां रोजगार मिला है, लेकिन असली रोजगार ये भी है, सिर्फ वो अयोध्या का रोजगार हो सकता है, लेकिन तमाम देश के युवा चले जाइए राजस्थान में, चले जाइए बिहार, छत्तीसगढ़, कहां कहां नहीं, महाराष्ट्र, गुजरात में 3 लाख की जगह पर 5,200, ये कौन सा पद है? ऊंट के मुंह में जीरा वाली कहावत है। तो साथियों ये बर्दाश्त की बाहर है, और जिस प्रकार से तमाम युवक हैं
इनके हम भी समर्थन में खड़े हैं, चाहे बुरा लगे चाहे सही, लेकिन सत्य को सत्य कहना है और उनके साथ जरूर इंसाफ होना चाहिए। हमारी वीडियो कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिएगा।